पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में गुरहट्टी स्थित बाल निकेतन नर्सरी स्कूल में भी खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। स्कूल की प्रबंधक सरोज गुप्ता ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक मानसिक और चहुमुखी विकास होना चाहिए। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ममता सक्सेना ने बताया कि ये बाल विवाह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आज हमारे स्कूल में भी बाल दिवस के उपलक्ष में रेस, लेमन रेस और मार्च पास्ट किया गया, जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। 14 नवंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका जन्मदिन दिवस है, क्योंकि आज 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन जो था बाल दिवस के रूप में मनाने को बोला था, तो इसलिए ये बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में भी बच्चों को सेलिब्रेट करवाते हैं, तो इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों की अपने फिजिकल बॉडी उनकी एकदम फिट रहे इसलिए हमने स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम किया है। इसमें अनेक हमारे कार्यक्रम हुए हैं, अनेक खेलों में बच्चों ने भाग लिया है, जैसे है फ्रॉग रेस, बास्केटबॉल और रेस, लेमन एंड स्पून रेस और हमारा मास पास, ये दुपट्टा डांस रेस, ये सभी चीज़ डम्बल्स, इन सभी में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के जोश और से भाग लिया। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये विद्यालय 1960 में स्थापित हुआ है और इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर ओम प्रकाश, स्वर्गीय डॉक्टर ओम प्रकाश थे। अब इसको सारा स्टाफ दिया, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और चतुर्मुखी विकास होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ही विकास से काम नहीं करता है कि आप सिर्फ पढ़ाना सिखा दें उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ खेलना ही सिखा दें उससे भी काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूँगी चहुमुखी विकास बच्चों का होना चाहिए, उसी उद्देश्य से हमने इसको आयोजित किया है। वही उस और आज तो हेल्दी कंपटीशन है, तो उसी बच्चों को सारी गतिविधियाँ करवाई जा रही हैं।